क्लास टेंथ साइंस लेसन वन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद द टू एग्जाम्पलज ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेटा इसमें कहा गया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो डेफिनेशन uh, देनी है सिर्फ ऑक्सीजन के रिगार्डिंग देनी है और साथ में एग्जांपल्स देनी है ओके दो दो एग्जांपल। सो so पहली जो डेफिनेशन है दैट इज ऑफ ऑक्सीडेशन द गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय सबस्टांस इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन बेटे जब किसी रिएक्शन के दौरान कोई चीज़ ऑक्सीजन को गेन कर लेती है तो ऑक्सीजन के गेन करने को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं जैसे कि वेन मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है अब देखिए मैग्नीशियम रिबन है आपने ये एक्टिविटी अपने स्कूल में आपके टीचर ने आपको दिखाई होगी तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक वाइट कलर का जो रेजिडियो होता है बन जाता है वो उस जिसे हम बोलते हैं मैगनीशियम ऑक्साइड तो अब क्योंकि मैगनीशियम के साथ ऑक्सीजन अटैच हो चुकी है इसलिए आ, ये हो गया ऑक्सीजेशन रिएक्शन ठीक है एंड when copper oxide is heated with hydrogen, then copper metal and water are formed. अब दूसरी एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन की कि copper oxide और hydrogen जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इसमें कॉपर और वाटर बन रहा है अभी इस रिएक्शन में कैसे हो रहा है देखिए जरा Copper oxide यहाँ बीच में से टूट जाता है और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाती है अब क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो के ये वाटर बन चुकी है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगी और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो चुकी है ठीक है अब देखिए इन दिस केस हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर सो हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर ठीक है बेटे समझ में आया हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो चुका है तो आगे सेकेंड हमसे डेफिनेशन पूछी गई थी रिडक्शन की द लॉस ऑफ ऑक्सीजन बाय सबस्टांस इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन जब किसी चीज़ में से ऑक्सीजन निकल जाती है उसका लॉस हो जाता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं ठीक है जैसे फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन देन जिंक मेटल एंड कार्बन मोनऑक्साइड आर फॉर्म जब जिंक ऑक्साइड और कार्बन रिएक्ट करते हैं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं अब इसमें ये रिएक्शन कैसे होता है जिंक ऑक्साइड में से ये ऑक्सीजन टूट के कार्बन के साथ अटैच हो गई तो कार्बन तो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड लेकिन जो जिंक ऑक्साइड था वो जिंक में कन्वर्ट हो गया अब क्योंकि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन टूट के अलग हुआ है इसलिए हम बोलेंगे कि जो जिंक ऑक्साइड है ये रिड्यूस हो गया इसमें रिडक्शन हो गई है ठीक है नाओ सेकेंड एग्जाम्पल when iron oxide is heated with the aluminium powder then aluminium oxide and iron metal are formed. जब आयरन ऑक्साइड को अलुमिनियम पाउडर से रिएक्ट किया जाता है तो अलमीनियम ऑक्साइड और आयरन बनते हैं अब ये कैसे होता है देखिए जब रिएक्शन होता है तो आयरन ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो इससे डिटैच होके एल्यूमिनियम को मिल जाती है अब क्योंकि आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई इसलिए इसकी होगी रिडक्शन और क्योंकि अल्युमिनियम को ऑक्सीजन मिला है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो अल्युमिनियम की होगी ऑक्सीडेशन समझ में आया बेटे हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन अटैच होना और रिडक्शन का मतलब है किसी चीज़ में से ऑक्सीजन का डिटैच होना